यहाँ का जगह कितना खुला मैदान है। यहाँ पे एक पाम ट्री है, यहाँ पे एक पाम नहीं बे, प्लम, जुजुबी, प्लम बोलते हैं, जुजुबी, जुजुबी। तो हम हमारे जो विकास भाई उन लोग जुजुबी खा रहे हैं। जुजुबी, जुजुबी हम भी खाएगा। जुजुबी को बोगड़ी बोलते हैं और बेर बोलते हैं, बेर। तो हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए करीबन समय लगा 1 घंटा, और 1 घंटे में हम यहाँ पे पहुँचे। और अभी आप पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा लाइन है, अभी भी लोग आ रहे हैं। अरे मुन्ना मिला है। नमस्कार दोस्तों, दोबारा आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त आनंद। और दोस्तों, आज बहुत सालों के बाद मेरी एक मनोकामना पूरी हो रही है। दोस्तों, मैं करीबन 5-6 सालों से सोच रहा था कि एक जगह जाऊंगा जहां पे मैं नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मुझे बुलाया नहीं जा रहा था। तो आज आखिरकार मुझे बुलाया गया है उस जगह पे। तो उसके लिए मैंने धन्नो को धो के रेडी कर दिया है। तो मेरे दोस्तों प्यारे धन्नो को मैंने धो के साफ़ कर दिया है। धन्नो पर अभी चिकचाक हो गई है, झकास हो गई है। तो अभी हम दोनों निकलने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पे मैं बहुत सालों से जाना चाहता था। जगह जाने से पहले और पहुँचने से पहले और निकलने से पहले लेते हैं एक छोटा सा इंट्रो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं एक छोटा सा इंट्रो। तो गाइस, अभी समय हुआ है करीबन सुबह के 10, और अभी हम निकल रहे हैं और बाकी दोस्त लोग भी निकल रहे हैं। तो हम उधर पर जा रहे हैं और मिलते हैं दोस्त के घर पर। तो चले आगे। तो गाइस, अभी बजे है सुबह के करीबन 10, और दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ, निकल गया हूँ और अपने प्यारे धन्नो पर बैठ चुका हूँ। देखिए दोस्तों, ये है अपनी प्यारी धन्नो। अब मिलते हैं मेरे प्यारे धन्नो से हर रोज़। तो आज को आपको दोबारा मिल रहा हूँ। आज मेरी प्यारे धन्नो मुझे लेके जाने वाली है भोले से मिलाने के लिए दोस्तों। तो आपको भी हम जरूर भोले से मिलाएंगे और लेते एक छोटे सा इंट्रो नहीं लेंगे। शुरू करते वीडियो को और स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारे से धन्नो को। तो चलिए दोस्तों, निकल रहे हम लोग। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो गाइस, हमने अगरबत्ती ले लिया इस दुकान से भैया वाला। ये है आलू बड़ी का दुकान, और अभी हम आलू बड़ी से निकल रहे, आगे जा रहे हैं। और भी सूरज भाई स्टार्ट कर दिया जाए। तो गाइस, ये वाला जो सड़क है ये जाता है आपका रोइंग और सदिया, और इधर वाला जो रोड है ये जाता है आपका तेजू, और ये सीधा वाला जो रोड है ये जाता है हाजू दोस्तों। और इधर एक कार आ गया है तो हम इधर रुक जाते हैं, क्योंकि औरत चला रहा है, क्योंकि औरत चला रहा है। तो गाइस, यहाँ से थोड़ा सड़क इतना कुछ खास अच्छा नहीं। यहाँ पे आप स्कूटी से अच्छा आप अगर बाइक लेके आते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसका बॉडी साउंड हो जाता है। हाँ, फिर भी जाएंगे दोस्तों अपनी मंजिल की ओर। कार लेके वो साइकिल लेके जा सकते हैं, तो क्या हम स्कूटी में नहीं जा सकते हैं? पैदल चले जाएंगे। छोटा कार लेके आएगा तो और अच्छा है, छोटा कार लेके आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी बोलिए दोस्तों, लेकिन मज़ा आ गया दोस्तों, क्योंकि बहुत सालों से सोच रहा था कि मैं आऊँगा हाजू, और आज आखिरकार हम जा रहे और पहुंचने वाले कुछ ही देर में। तो जुड़े रहेगा हमारे वीडियो पर अंत तक दोस्तों, और सफ़र का मज़ा लीजिए दोस्तों। कितना रास्ता ख़राब है, लेकिन फिर भी यहाँ का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है, क्या बोले दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। हर तरफ बस पेड़ ही पेड़, ग्रीन ही ग्रीन, देखिए कितना बढ़िया है। पॉल्यूशन फ्री, जीरो पॉल्यूशन दोस्तों, पूरा जीरो, कुछ भी नहीं है। यहाँ के जो हवा पे जो मिठास है ना दोस्तों, और वो कहीं पे नहीं मिलेगा। ज़रूर आप लोग भी आएगा दोस्तों इस जगह पर। ठंडा ठंडा हवा, ठंडा ठंडा, धीमी धीमी, होले होले से हवा, स्कूटी पे भी आ रहा है स्पीड, वो पता लगे। तो मज़े लीजिए दोस्तों सफ़र का, और हवा खाइए हमारे साथ। दोस्तों, हम लोग लगभग पहुँच ही गए अपने दोस्तों के पास। तो ये है विकास भैया, और वो आगे जा रहा है सूरज मुरा, और ये कौन है पता नहीं, उनके पीछे में कौन बैठा हुआ है, किसी को लिफ्ट दे दिया होगा शायद, शायद। विकास दा
चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हम लोग कहाँ बैठा हुए? हाँ अलग सुपरमार्केट। हम लोग सुपरमार्केट। यो मैन यो यो। गाइस मुझे लगता है कि लगभग हम पहुंचने वाले हैं क्योंकि आगे बहुत खुला मैदान दिखाई दे रहा है और रास्ता भी इतना और रास्ता भी वहाँ पे अच्छा है। पता नहीं यहाँ का सड़क इतना ख़राब क्यों है। क्या बढ़िया जगह है देखिए। आराम से आराम से। क्या किस तरफ? सड़क भी इधर जाना है। इधर से जाता है आजू। हम लोग का अच्छा रास्ता तो मिला था चलने को नहीं मिला इसमें। तो ये नदी वाला रास्ता है दोस्तों। वो लोग कहाँ जाएगा? पार हो जाएगा क्या वो लोग? तो गाइस हम लगभग पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में। तो यहाँ आप देखिए कितना मस्त है यहाँ का जगह, कितना खुला मैदान है। यहाँ पे एक पाम ट्री है। यहाँ पे एक पाम नहीं बे प्लम जुजुबी। प्लम बोलते हैं जुजुबी। जुजुबी है? तो हम हमारे जो विकास भैया उन लोग जुजुबी खा रहे हैं। जुजुबी हाँ। जुजुबी हम भी खाएगा। जुजुबी को बोगड़ी बोलते हैं और बेर बोलते हैं बेर। और विकास भैया वो लोग यहाँ पे जुजुबी जुजुबी तोड़ रहे बोगड़ी। नहीं 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 बोगड़ी को प्लम नहीं बोलते जुजुबी बोलते। आगे आगे उन लोग घुस गया। ये आ गया सूरज लोग दोस्तों। इन लोग के लिए वेट कर रहे थे हम लोग। व्हाट अ रास्ता। चलें तब बताऊं कैसा पता नहीं रे। जल गए जैसे लग रहा है ना। जला दिए किसी ने। जलाने से भी ऐसे ऊपर से कैसे जलाएगा? मोमबत्ती का जैसे कल ऊपर जाना पड़ेगा। वो फ्लड आया था तब जल गया होगा और टूट गया होगा। सड़ गया काटा आ गया है इसको। काटा नहीं होगा ये इतना ऊपर से तो काटेगा नहीं। ये फ्लड में चला गया होगा सर। इतना सारा टूट के चला गया क्या? हाँ इतना इतना पावर मन है नदी का। और कमती बड़ा फ्लड आया था क्या सोच कर देखो। तो दोस्तों ये फ्लडेड एरिया एक समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लड आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ सब कैसे टूटा टूटा हुआ है। इतने सारे पेड़ हैं यहाँ पे ट्रीज। जो अभी कुछ काम का नहीं है इसका। अभी कुछ काम का नहीं जलाया जा सकता है बस और कुछ नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ का जुजुबी का पेड़ कितना ज़्यादा है। देखिए पूरा खेती करके रखा जैसे। उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। प्लस गोबर। प्लस गोबर भाई नेचर मदर नेचर। आते वक्त खाएगा मीठा नहीं होता था यार। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा क्या बोलते हैं बोगड़ी को क्या बोलते हैं बेर। बेर का पूरा यहाँ पे खेती किया हुआ जैसे इतने सारे यहाँ पर है। देखिए इतना बढ़िया है हर तरफ बस बोगड़ी का पेड़ ही है। उधर खुट्टी भी है। उधर खुट्टी भी है वो दूर में। खुट्टी बोले था खुट्टी बोले तो जहाँ पे गाय पाला जाता है। आपको दिख रहा है इधर पे इधर पे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया इधर पे इधर पे इधर पे। बहुत घना जंगल है ना अंदर। क्या इतना अंदर बनाया कौन कैसे बैठा है? गांव भी होता होगा उधर ना शायद। बहुत ही बड़ा जंगल है। देखिए दोस्तों कितना घना जंगल है यहाँ पे। आप यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बस जंगल ही जंगल और कुछ नहीं है। और बड़े बड़े पेड़ है पत्ते हैं पौधे हैं चिड़िया है। आपको चिड़ियों की गूंजने वाली आवाज़ सुनाई देगी दोस्तों।
तो मुझे लगता है दोस्तों कि लगभग हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है। यस दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं। वी आर एट राइट नाउ एट हाजू हाजू हाजू। कितना बड़ा मेला जैसे बन गए हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं हाजू। ये है हाजू, तो ये आलूबाड़ी डिगारो के सामने है हाजू शिव मंदिर। तो अभी हम एंटर करते हैं दोबारा से। हाय बोले गाइस, रामन आयाले अकेले नहीं बे कल है कल ने वीडियो बना सा। अब वीडियो बनाव लगे बारो लोग पाओ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है। हमने इतना होप नहीं किया था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ होगा बोलकर। बोया को क्यों फिर साइस आया था कि मैं पूजा कर रही हूँ क्यों। क्या क्या कहाँ जा रहा? पानी 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 मेरा वहाँ पे था। तो आगे चलो 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 एंटर करते मंदिर पर। यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता, गुम हो जाएगा तुम। यहाँ से पूरा लाइन इधर से इन उधर से आउट ना। हाँ ये लाइन है, अगर पूजा करना है तो लाइन में लगना पड़ेगा। हम जा रहे हैं हम लाइन में लगे। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लंबा लाइन लगा हुआ है। अभी अभी करीबन समय हुआ है 12:20 का, और कितना बजे हम पहुँचते हैं वो देखते दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए आज तो भोले से मिल के ही जाएंगे, चाहे रात हो जाए। इतना बड़ा लाइन भी नहीं है, पहुँच जाएंगे। और अब ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, 15 मिनट में हम अच्छा खासा आगे आ चुके हैं। पीछे कितना बड़ा लाइन आ चुका है। तो गाइस अभी बच चुके हैं एक, और अभी थोड़ा ही दूर है और हम पहुंच जाएंगे। और गर्मी कुछ ज़्यादा है लेकिन महसूस नहीं करना गर्मी को, और बढ़ते जाना है। जय भोले। बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग। दूर है बस। अब तो नहीं थे यहाँ पर। ओ
गया थोड़ा उधर गया रहा थोड़ा लड़का से भेंट करने गया रहा लाइन से छोड़ के मार्किट ले गया ना हाँ। वो अगर बस की नहीं रहा मिल गया लिया है भूल गया रहा। गाइस हम पहुंच चुके बस 2-3-4 स्टेप है उसके बाद एंटर कर जाएंगे हम बोलते द्वार पर और थोड़ा सा वेट कर तो हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए करीबन समय लगा 1 घंटा और 1 घंटे में हम यहाँ पे पहुँचे और अभी आप पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा लाइन है अभी भी लोग आ रहे हैं अब तो नीचे हाँ। तो हम एंटर कर चुके हैं अंदर अभी तो गैस पूरा पूरी 1 घंटा लगा हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए जगह से और यहाँ पे भी लोग कुछ पूजा करें লগন বিলাক লগতে হ্যাঁ লগন কিটা লগতে আমি ভিডিও শুট করি হ্যাঁ হ্যাঁ লাগে দেখ तो गाइस सब पूजा करके हो चुके हैं अभी हम जा रहे हैं जूता पे निकले और देखते थोड़ा मेला घूमते हैं और दोबारा आएंगे हम रस्सी सूता बांधने के लिए क्योंकि पैसा मैं भूल गया है दोस्त के पास और अब लाइन देखिए कितना ज़्यादा है यहाँ पर तो दोस्तों जूता जहाँ पे रखे गया था वहीं पर रहे जूता तो यहीं पे मैं खोल के गया था तो मिल गया मुझे अपना जूता चलिए जूता पहन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं जा रहे हैं हम दोस्तों को ढूंढने के लिए देखते हैं कहाँ पे वो मिलता है। अरे गाइस देखिए दोबारा मिल गया अजमीन भाई को दुनिया गोल है कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे सही बोलते हैं कौन है वो अयो जान न पहचान हम आपके मेहमान नहीं हम दोस्ती बना रहे हैं दोस्ती बढ़ाना बहुत जरूरी होता है इतने लोगों के साथ तो मैंने ऐसे सेल्फी ली है चलो सही बात है जानता भी नहीं जिंदगी में मेरा मोबाइल में तो सेल्फी भी नहीं आता नहीं नहीं देख लो निकाल दिया देख लो सब सामने जाओ भागेगा तो अच्छा तो डरोगे तो डराएगा वो आओ बाबा बाबा सवाल पूछ दिया हो गया बाबा जी हो गया स्पेक्टिकल कोबड़ा दीदी स्पेक्टिकल कोबड़ा को साक्षात दर्शन और को नाम जो मैंने भूले कि एनी गॉड
दक्षिणा दीदे बाबा गला में जाएगा क्या गला में जाएगा क्या बाबा भाई बीन बजा दीजिए दक्षिणा दीदे ये दिए दक्षिणा मुन्ना मिला है कहाँ कर दोस्तों और एक्चुअली क्या होता है दक्षिणा मांगते दक्षिणा एक्चुअली क्या होता पता है कि बीन से सांप कभी नहीं आया हाँ। कुछ नहीं होता ऐसे नौटंकी हाँ वो तो है बाबा भी बना रहे बिल्कुल सबको दक्षिणा दिला दो दक्षिणा दिला यार दक्षिणा कभी नहीं है ना भाई मिल गए लेकिन हमें अपना पार्टनर नहीं मिला तो अभी हम उन्हें ढूंढ रहे हैं अभी तक कहाँ गए वो सब तो गाइस अभी हो चुका है अभी जा रहे कुछ खाने के लिए और पूजा पाठ खत्म हो चुका है बाबा से आशीर्वाद ले चुके हैं धागा बन चुके हैं और एक चीज बाबा ने दिया तो वो मैंने रखा हुआ है तो उसको हम मंडे को चांदी पे लगा के उसके रिंग फिंगर पे पहनेंगे तो वो करना दोस्तों पूजा पाठ करके खत्म हो चुका है और दोस्त लोग से भी मिल चुके हैं और सभी लोग अभी जाने के लिए रेडी हो चुके हैं तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर कुछ ही देर में तो बस आपको लास्ट एक बार हम दर्शन करवा देते हैं हमारे भोले बाबा का तो ये पीछे साइड से आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु हैं यहाँ पे उनके भक्त हैं हर तरफ बस तो गाइस अभी हो चुका है समय अभी हम चलते हैं घर पर और अभी लेते हैं अलविदा और मिलते हैं हमारे अनदर ब्लॉग पर दोस्तों तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास और अपने सभी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिएगा तो ठीक है दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं और भोले का नाम लेते हैं जय भोले वीडियो को अंत तक देखने धन्यवाद आपका समय सुबह थैंक यू फॉर वॉचिंग